सिन्धुरापो यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्बभूत् यस्यामिदं जिह्वति प्राणदेह सा नो भूमिः पूर्वमेतधातु वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इन्द्रर्षभाद्रविणेनो दधातु महाराज की जय हो। एक नागरिक आपसे मिलना चाहता है महाराज। हाजिर किया जाए। जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो। कहो बुजुर्ग, क्या कहना चाहते हो? बेखौफ हो महाराज। एक बालक ने गो में उदम मचा के रखा हुआ है, हर व्यक्ति को परेशान कर रहा है। एक बालक ने? जी महाराज। सैनिक जाओ, उनके साथ जाओ। जो आ गया महाराज। अगर इनकी बात झूठी निकली तो इनका सर कलम कर दिया जाए। रहम सरकार, रहम। अब तुम जा सकते हो। बादशाह सलामत, मुजरिम पकड़ा गया। हाजिर किया जाए। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। अरे नादान बालक, हम ये क्या सुन रहे हैं? आप तो लोगों की बातों पर यकीन करते हो, मुझे क्या पूछ रहे हो? खामोश, तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। और आ कर भी कर सकते हो। कह रहे थे तुम, तुम्हारे वालिदैन का क्या नाम है? कि आप नहीं जानते? जवाब दो, हम तुम्हें पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता। सैनिक, ये बालक वहीं से मिला जहाँ बुजुर्ग ने बताया था? जी महाराज। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मैंने इन हाथों से, बालक यहाँ से दूर चला जा वरना। और आ कर भी कर सकते हैं। उराप ने पाप पे गया है, निडर गुस्ताख, चला जा यहाँ से। कहाँ जाऊँ, कोई मेरे साथ खेलता नहीं है, कोई मेरे साथ बात नहीं करता, मैं क्या करूँ? सैनिक, इसका सर कलम कर दिया जाए। रहम सरकार, रहम। क्या आप अपने नाती को माफ नहीं कर सकते? खामोश। सरकार, अगर आप चाहें तो मेरा सर कलम कर सकते हैं, पर इस बालक को छोड़ दीजिए। तुम हमें हुक्म दे रहे बुजुर्ग। महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ओह मंत्री, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है। सारे लोग जानते हैं कि ये बालक आपका नाती है, फिर भी आप आज तक राजकुमारी को भूल नहीं पाए हैं। अगर ये करिश्मा हो ही गया है तो उसे खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो वजीर, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहता हूँ। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं होता, मैं दोनों को माफ जरूर कर देता। ठीक है, पर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आओ आओ मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जाओ। नाना जी। कहो कहो मेरे लाल, जी भर के कहो। मैं कुछ देर के लिए आपके सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो आप? ये राजकुमार, इसे अपने मन की मुराद पूरी करने दो वजीर। यहाँ बैठो मेरे लाल। मैं कैसा लग रहा हूँ नाना जी? बहुत खूब। जैसे आपको सब सलाम करते हैं, क्या आप मुझे सलाम नहीं करेंगे? क्या मुझे राजा नहीं समझते? जो हुक्म मेरे लाल। ये आपने क्या कर दिया राजकुमार? मैं रोज़ कत्ल करूँगा, मैं रोज़ कुएं से पानी पीऊँगा, मैं रोज़
जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दर्जी, क्या हाल है? ठीक है। तुझे महाराज ने कल राजमहल में याद किया है। भला महाराज को मुझसे क्या काम? तुम बड़े किस्मत वाले हो, महाराज ने नई पोशाक सिलानी है। पोशाक सिलवानी महाराज ने? और याद से कल राजमहल में आ जाना। चलो। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ तो जरूर है, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। लगता है जिंदगी खत्म होने के दिन आ गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? देखो मेरा मन बैठा जा रहा है, आखिर क्या बात है? बादशाह ने कल राज दरबार में बुलाया है। इसमें डरने की क्या बात है, कोई काम होगा? हाँ, सैनिक बता रहा था कोई पोशाक सिलवानी है। ये तो अच्छी बात है। तुम बच्चों जैसी बात मत करो। सोचता हूँ अगर उसे पोशाक पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? अगर नहीं पसंद आई तो किसी दूसरे से सिलवा लेगा। लोग उसे खूनी राजा ऐसे ही नहीं कहते, वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। दूर जाएं भी तो कहाँ जाएं? हे गोरखनाथ, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हमारी गोरखनाथ, रक्षा करो हमारी। आप फिक्र मत करें, गुरुदेव हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। महाराज की जय हो। दर्जी हाजिर है महाराज। उसे दरबार में पेश किया जाए। महाराज की जय हो। दर्जी, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, हम एक ऐसी पोशाक सिलाना चाहते हैं जैसी आज तक कभी ना बनी। सरकार, मैं मामूली सा दर्जी हूँ, अब तो मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। आप अपनी पोशाक किसी दूसरे से सिलवाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। वाह क्या बात, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पोशाक तुम सिलो। क्या अपने राजा की बात नहीं मानोगे? मेरी ऐसी हैसियत कहाँ सरकार? बाजी कपड़ा लाया जाए। जो हुक्म सरकार। ये लीजिए महाराज। जय लता जी, पर हमारी एक शर्त है। जी महाराज। पोशाक बिना सीधा के किसी लिए चाहिए, और चाहिए भी कल। पर सरकार, तुम जा सकते हो? ये कैसे हो सकता है, बिना सी धागे के पोशाक? क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है? हे गोरखनाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सुनती हो? कहाँ हो, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? वही हुआ जिसका डर था। आप बैठिए तो सही, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। आप परेशान मत होए, गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षा करेंगे। चलिए थोड़े कपड़े हैं राज परिवार के, धोकर आते हैं।
परेशान मत होए, मुझे कपड़े तो दीजिए। मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा आज, आज खुद ही धो लो कपड़े। आप परेशान मत होए, गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे। लगता है अब जिंदगी खत्म होने के दिन आ गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हे गोरखनाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो गोरखनाथ, रक्षा करो हमारी। अलख निरंजन, आप कौन है? क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो? जहां के राजा ने मुझे बिना सुई धागे के पोशाक बनाने को कहा है, अब आप ही बताइए क्या ऐसा हो सकता है? बस इतनी सी बात पुत्र, जरा कपड़ा तो दिखाओ। आप क्या करेंगे कपड़ा देखकर साधु महाराज? जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम व्यर्थ में आंसू मत बहाओ पुत्र, हम नाथ हैं पुत्र, नाथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत से साधु देखे हैं, पर आज दिन तक ना कोई ऐसा देखा ना कहीं सुना जो बिना सुई धागे के पोशाक बना सके। तुम नादान हो पुत्र, देखो व्यर्थ में आंसू मत बहाओ, हमें कलेश पहुंचता है। अगर कल सुबह तक जे पोशाक नहीं बनी तो वो खूनी राजा मुझे जान से मार देगा। अच्छा ठीक है, कपड़ा जमीन पे रख दो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, यस्याम अन्नम पृष्ठय संभवो, यस्याम इदं भूमति कांगे। कपड़ा उठाकर देखो पुत्र, देखो पोशाक बनी। मेरी जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है? आप कपड़ा उठाकर तो देखिए, क्या पता गुरु की कृपा हो गई हो। अरे चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। आप कौन है प्रभु? मुझे क्षमा करें, मैंने आपको भला बुरा कहा। हम तो रमते जोगी हैं पुत्र, आज यहाँ कल वहाँ। प्रभु अब तो मैं और ज्यादा फंस गया, अगर वो खूनी राजा मुझसे पूछेगा कि ये पोशाक कैसे बनी तो मैं क्या बताऊंगा? तुम चुप रहना पुत्र, कुछ मत कहना। नहीं नहीं, वो मेरा सर वहीं कटवा देगा, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए तो तुम मेरे लिए बता देना। पर आप अभी अभी कह रहे थे कि आप रमते जोगी हैं, फिर मैं कल आपको कहां ढूंढूंगा? हम कहीं नहीं जाएंगे पुत्र, तुम गोरख गोरख कहना, मैं आ जाऊंगा। हे गुरुदेव, हमें क्षमा करें, क्षमा करें गुरुदेव, हमें क्षमा करें। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। महाराज की जय हो, महाराज दर्जी हाजिर है। उसे पेश किया जाए। महाराज की जय हो। कहो दर्जी, पोशाक बन गई? जी महाराज। बिना सुई धागे के? जी सरकार। जरा हमें भी तो दिखाओ। जी जे रही। ये लीजिए महाराज। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा बताओ जे, तुमने कैसे कर दिखाया? बताओ जे, तुमने कैसे कर दिखाया? सैनिकों, जब तक जे बताए नहीं से कोड़े मारे जाएं। रहम करो सरकार, रहम करो। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सैनिकों, इसे जमीन में जिंदा दफन कर दी जाए। रहम करो सरकार, सरकार रहम करो, रहम करो सरकार, रहम करो,
रहम करो सरकार। अगर आप अपने प्राणों की खैर चाहते हो बताओ, ये तुमने कैसे कर दिखाया? रहम करो सरकार, रहम करो। चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे, इसे खड्डे में डाल दिया जाए। रहम करो सरकार, रहम करो सरकार, रहम करो सरकार। मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ सरकार। रहम करो सरकार। महाराज, ये पोशाक एक साधु ने बना कर दी है। साधु? साधु कौन? कौन है वह साधु? क्या हमें नहीं उसको मिलवाओ? महाराज, वो नदी किनारे पर। चलो चलो, हमें ले चलो। महाराज, वजीर जी, महाराज उन सैनिकों को लेके राजमहल वापस चले जाओ। जो हुकुम मेरे सरकार। गुरुदेव मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें गुरुदेव, गुरुदेव मेरी रक्षा करें, गुरुदेव मेरी रक्षा करें। उठो पुत्र, उठो। तुम तो मात्र एक पात्र हो, योग माया ने अपना काम कर दिखाया, अब तुम जा सके हो। कहो राजन, कैसे आना हुआ? मुझे क्षमा करें गुरुदेव, आपके दर्शन करना चाहता था। ऐसा क्या काम आन पड़ा मुझ फकीर से? सुना है जो तुम्हारा काम नहीं करता तुम उसका वध कर देते हो। मुझे शर्मिंदा मत करें प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मेरा क्रोध खत्म हो गया। क्रोध तो मूर्ख लोग किया करते हैं राजन, और तुम तो एक राजा हो, और राजा तो अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है। और तुमने क्या किया राजन? मैं अब राजा नहीं रहा प्रभु, मात्र जाचक हूँ। मैं रोजे खून किया करता, लोगों पर अत्याचार किया करता था, वो केवल आपसे मिलने के लिए। तो भक्ति क्यों नहीं की राजन? वही तो करना चाहता हूँ, कोई गुरु भी तो होना चाहिए। तुम तो राजन हो, गुरु तो हजार मिल जाते। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नाथ पंथ में धर्मी और असहाय लोगों पर अत्याचार करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। गुरु के चरणों में शिष्य का स्वर्ग है। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो क्या प्राण त्यागना इतना आसान है राजन? आप मेरी परीक्षा ले लीजिए, उसमें पूरा उतरूं तो आप। ठीक है, अभी तो हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर हमारे आने तक तुम इंतजार कर सको तो हम सोचेंगे। आप धन्य हैं प्रभु। आजी सुनते हो? उठो, सुबह हो गई। अरे उठता हूँ, पहले ये तो बताओ जो जगा दी क्या? हाँ जगा दी। बहुत हिम्मत वाली हो तुम, सारा का सारा गांव सोया हुआ है और तुम जाग रही हो। क्या तुम्हें नींद नहीं आती? आपको आती है क्या? हमारे तो बागे ही फूटे हुए हैं, इतनी इतनी उम्र हो गई, ना तो हम दोनों को मृत्यु आती है और ना ही कोई संतान पाई है हमने। परेशान क्यों होती हो भाग्यवान? राम भला करे। एक राम का ही तो सहारा है, इसलिए चाहे हमारे घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, पर दिया जलाने के लिए तेल या घी मिल ही जाता है। मिलता तो है। खैर छोड़ो इन बातों को, पता नहीं क्या हो गया गांव वालों को, सबके सब गांव वाले एक जैसे हैं, ना ही कोई भिक्षा देता है और ना ही कोई अनाज।
आखिर हम दोनों खाते भी तो कितना है और हम दोनों बूढ़ों को पछता ही तो कितना है। आपको तो याद ही होगा एक बार हमने खीर खाई थी और सारी रात हम दोनों अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पेट दर्द के कारण बुरा हाल था तुम्हारा। खैर छोड़ो उन बातों को। अच्छा मुझे धोती दो, भिक्षा लाने का समय हो गया है। देखता हूँ आज भी गांव वाले कुछ भिक्षा देते हैं या फिर आज भी भूखे पेट ही सोना होगा। देती हूँ सब्र करो, एक ही तो धोती है और पहनने वाले दो, एक पहने तो दूसरा नंगा। हे राम। ये लो और सुनो, जल्दी आना। अच्छा सुन लिया। अच्छा मैं चलता हूँ भिक्षा लाने के लिए। अलख निरंजन। राजन कहाँ हो राजन, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है राजन? हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ गुरुदेव। कहाँ हो राजन, जरा अपना हाथ बाहर निकालो। मैं यहाँ हूँ गुरुदेव। आओ राजन बाहर आओ। आप आ गए गुरुदेव, मैं धन्य हुआ गुरुदेव। उठो बेटा, आयुष्मान भव, तुमने पूरे 12 साल तपस्या की है राजन, तुमने अपना हठ दिखाया है, तुम हठ योगी हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आज से तुम्हें कोई खूनी राजा नहीं कहेगा, आज से हम तुम्हें एक नया नाम देंगे, गोरिया, सिद्ध गोरिया। आओ अब हम अपने टीले जाएंगे और वहीं जाकर अपने नाथपंथ की बाकी रस्में पूरी करेंगे। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो, यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्भूः, यस्यामिदं जिह्वति प्राणदेह, सानो भूमिः पूर्वमेव दधातु। विश्वं वरा वसुधानी प्रतिष्ठा, हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी, वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम्, इन्द्रर्षभा द्रविणेनो दधातु। हिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं, ते पृथिवी स्यो नमस्तु। वक्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां, ध्रुवां भूमिं पृथिवीं इन्द्रगुप्ता। अजितो हतो अक्षतो ध्यष्टां पृथिवीं अहम्। यत्ते मध्यं पृथिवी यच्चनभ्यं, यास्त ऊर्जस्तन्वः सम्बभूः। दासूनो धेय भीन पवस्व माता, भूमिः पुत्रो अहम्। आज से तुम नाथपंथी हुए, आज से हम तुम्हें अपना शिष्य बनाते। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवर, उठो गोरिया, आज से तुम नाथपंथी हुए, जाओ हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुनिया भ्रमण करो, जो अपने से बड़े हैं उनका आदर करो, बूढ़ों को माता पिता समझना, जो अपनों से छोटे हों उन्हें भाई कहना,
युवतियों को बहन कहना, नाथ पंथ की लाज रखना, और देखो फकीरी को दाग मत लगाना। जाओ नाथ पंथ का प्रचार करो। जुआ क्या गुटे? अरे बहन सुना तूने, कुएं से आवाज आ रही है। अरे डरा मत। अरे नहीं नहीं सुन तो सही, आवाज आ रही है। चल चल भाग यहाँ से। माता रुको, माता डरो नहीं, रुको माता। अरे ये तो कोई साधु लगता है। अरे भाग रे भाग, पता नहीं साधु है या कौन। अरे इसने तो कुएं का सारा पानी खराब कर दिया। नहीं नहीं माता ऐसा मत कहो, हम तो रमते जोगी हैं। गुरु गुरु टिल्ले से चले और आज इस कुएं से बाहर आए। मैंने स्वांखा जाना है माता, मुझे रास्ता बता दीजिए। अरे आप इस तरफ चले जाइए, ये रास्ता सीधा स्वांखा की तरफ जाता है। धन्यवाद माता। क्या काट रहे हो भाई? काई ढिल्ला काट रहे हैं महाराज। काई ढिल्ला? काई ढिल्ला ही सही महाराज। रुकिए रुकिए महाराज रुकिए, हमसे बहुत भारी गलती हुई महाराज, रुकिए। गलती होगी महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें प्रभु। क्या हुआ भाई? गलती होगी महाराज, हमने तो कुछ नहीं किया। कभी किसी को असत्य नहीं कहना चाहिए, जो काट रहे हो वही बताना चाहिए। जी महाराज, पर हमारी फसल महाराज। कोई बात नहीं, ये फसल आज से सट्ठी कहलाएगी। अरे भाई स्वांखे का रास्ता किस तरफ? महाराज आप इस ओर चले जाइए, ये रास्ता आपको सीधा स्वांखा ले जाएगा। धन्यवाद। अलख निरंजन भाई, गांव स्वांखा का रास्ता यही है? यही स्वांखा है भाई। थोड़ा दूध मिलेगा, बड़ी प्यास लगी है। दित्तो ब्राह्मण के यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ बहुत दूध है। दित्तो ब्राह्मण के जहाँ? ठीक है भाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अलख निरंजन, कोई घर पर है? क्या बात है बाबा, थोड़ा सब्र करो, आती हूँ। आदेश गुरु का। थोड़ा दूध मिलेगा? दूध? दूध कहाँ से लाऊं? हाँ वो चक्की में थोड़ा गाला पड़ा है, वो ही दे देती हूँ। ये लीजिए महाराज। क्षमा करें माती, हम बंधी भिक्षा नहीं ले सकते। चक्की में जो गाला पड़ा था वो यही है, आप इसे स्वीकार कीजिए। माते ये आप क्या दे रही है? माता मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा दूध मिलेगा? कृपा करके आप ये स्वीकार कर लीजिए। क्षमा करें माते, हम बंधुई भिक्षा नहीं ले सकते। आप ले लीजिए ना महाराज। आप झूठ बोल रही हैं माते, हमें तो गांव वालों ने बताया था कि आपके घर में सैकड़ों गाय, दूध जरूर मिलेगा। नहीं नहीं, जरूर किसी ने आपसे मजाक किया होगा, हमें तो दो वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। चलो झूठ झूठ ही सही। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज, ये अनाज तो लेते जाइए। हम बंधुए भिक्षा नहीं दे सकते माता, अगर आपको भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दीजिए। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती। ऐसी क्या बात है माते जो आप बाहर नहीं आ सकते? असल में महाराज
हमारे पास एक ही धोती है और कोई वस्त्र नहीं है। इस समय मेरे पति वह धोती बांधकर भिक्षा मांगने गए हैं। आप ही बताइए कि मैं बाहर कैसे आऊं। आदेश गुरु का, बस इतनी सी बात। जी लीजिए माते। आप तो भगवान हैं महाराज, आपका सवा गज का गमछा मेरी पूरी धोती बन गया। अब तो दूध मिलेगा माता? अवश्य मिलेगा महाराज, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। आपका सवा गज का गमछा मेरी पूरी धोती बन गया। आप तो भगवान है महाराज, आप तो भगवान है महाराज। हाँ बहन बोलो। अरे बहन थोड़ा दूध मिलेगा? हमारे घर कोई गाय भैंस नहीं है, जाओ यहाँ से। दे दीजिए ना थोड़ा दूध। कहा ना जाओ यहाँ से। हमारे घर में साधु महात्मा आए हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं वो, उन्हें प्यास लगी है, थोड़ा दूध दे दीजिए ना। अरे मथुरा, ये साधु कब से दूध पीने लगे, जाओ उनको पानी पिला दो। बहन थोड़ा दूध मिलेगा? कोई दूध दूध नहीं है, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मांगने आ जाते हैं, जैसे कि ये गाय भैंस तुम लोगों की रखी हो। चलो जाओ जाओ यहाँ से। ये लीजिए महाराज। बड़ी देर लगाती माता। ये तो अमृत के समान है। किसका दूध है माता? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं माता, किसका दूध है? क्यों रही है माता, क्या बात है? महाराज ये तो ना ही किसी गाय का दूध है, ना ही किसी बकरी का और ना ही किसी भैंस का, ये मेरा सिर है। माँ आज मैं धन्य हुआ, आज आपकी ममता जाग उठी, आपने अपना मुझे सिर पिलाया है। आज से मैं जन्मों जन्मों तक आपका आभारी रहूंगा। आज से मैं आपका धर्म का पुत्र और आप मेरी धर्म की माता है। महाराज आप मुझे महाराज नहीं गोरिया कहें माँ, विधि का विधान है। मैंने आपको जो पिछले जन्म में वचन दिया था मैं वही पूरा करने आया। वचन? कौन सा वचन, कैसा वचन? आप नहीं समझेंगे माँ। क्या आपने मुझे सच में माँ कहा? सुनो गांव वालों सुनो, मैं आज से बेसहारा नहीं रही, मैं बेसहारा नहीं रही। सुनो मेरा भी एक बेटा है गोरिया, आज से मैं बांझ नहीं रही गांव वालों,
मेरा भी एक बेटा है गोरिया, और मैं गोरिया की माँ हूँ। माँ, अरे मथुरा तुम पागल हो गई हो, ये तो एक सन्यासी है, साधु है, भला ये हमारी संतान कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मैंने इसे अपना दूध पिलाया है, ये देखो मेरे स्तनों से अभी तक दूध की धाराएं बह रही हैं। प्रणाम पिताजी। देखो आप जो कोई भी हैं, हमारे साथ ऐसा घिनौना मजाक मत करो भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। आज से मैं आपका धर्म पुत्र हूँ और आप मेरे धर्म के माता पिता। आज से मैं आप दोनों के साथ यहीं पे रहूंगा। देखो ये पूरा गांव हम दो बूढ़ों पर हंसता है, अब साधु सन्यासी भी हम बूढ़ों का मजाक उड़ाने लगे। हे भगवान, हमें मार ही क्यों नहीं देता तू? आप गलत समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, आज से मैं यहीं रहूंगा, आप लोगों की सेवा करूंगा। सुना आपने, आपको यकीन हो गया? देखो वचन दे रहे हो तो ये वचन जरूर निभाना। जो आज्ञा पिताजी। कपलावी। आज्ञा गुरुदेव। बहुत दिन हो गए, हमारे प्यारे गुड़िया की कोई खबर नहीं आई। जाओ पता करो कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। जो आज्ञा गुरुदेव। जय बाबा जी की। क्या बात है माता, क्या हुआ है इसे? ये चल नहीं सकता। चल नहीं सकता जी। बच्चा खड़े हो जा। मेरा बच्चा ठीक हो गया। जय बाबा सिद्ध गोरिया जी की। 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 आदेश 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 आदेश। कैसे हो गोरिया, बड़े चमत्कार दिखा रहे हैं लोगों को। नहीं भाई, मैं तो धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। इसे तुम धर्म का प्रचार कहते हो? गुरु आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं भी तो उसी गुरु का चेला हूँ, मैंने कभी अपने आप को लोगों के सामने सिद्ध नहीं किया, और तुम? मैंने उस अबला की रक्षा की है। रक्षा? क्या तुम्हारे पास वो दम नहीं है जो साधना का सहारा ले रहे हो? बहुबल तो बहुत है, पर लेकिन जो लोग जैसे हैं उनके साथ वैसा ही किया जाना चाहिए। अपनी हद में रहो और चुपचाप मेरे साथ चलो। गुरुदेव ने तुम्हें याद किया है, और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम गृहस्थी हो गए हो? क्या इसलिए नाथ पंथ अपनाया था कि कल को गहे पैसे चलाते फिरो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, रही बात ग्रस्त होने की, वो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। हर बात में धर्म, तुम क्या समझते हो जो तुम कर रहे हो वह धर्म है? तो हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। लगता है तुम्हें अपनी साधना पे बहुत घमंड हो गया है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो ये ले संभाल।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव आपके गोरिया ने मुझे बहुत मारा। ये क्या कह रहे हो कपलावीर? मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह गृहस्थी हो गया गुरुदेव। ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव। वह किसी के घर में रह रहा है। गोरिया नाथ पंथ को कभी दाग नहीं लगा सकता। हम स्वयं जाकर देखेंगे। सबके दुखड़े हरता है, खाली झोली भरता है। तू सबके दुखड़े हरता है, खाली झोली भरता है। सुन के तेरी महिमा मैं आ गया हूँ दर तेरे। नजर मेहर की कर देना, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। नजर मेहर की कर देना, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। नजर मेहर की कर देना, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। जो भी तेरी शरण में आया, उसने सब कुछ पाया है। तार देना मुझको जोगी, सब ने ही ठुकराया है। जो भी तेरी शरण में आया, उसने सब कुछ पाया है। तार देना मुझको जोगी, सबने ही ठुकराया है। मर जाऊंगा जोगी मैं हाथ रख दो सिर मेरे। नजर मेहर की कर देना, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। नजर मेहर की कर देना, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। नजर मेहर की कर देना, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। मथुरा के भाग जगाए, उसको दर्श दिखाया था। कैसा तूने खेल रचाया, बेटा बनकर आया था। मां मथुरा के भाग जगाए, उसको दर्श दिखाया था। कैसा तूने खेल रचाया, बेटा बनकर आया था। तेरी शरण में आ गया कोई कमी नहीं दर तेरे। नज
नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन तेरे नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन तेरे नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन तेरे मेरा कोई नहीं है बिन तेरे गोरिया जोगी मेरा सबके दुखड़े हरता है बड़ा दयालु जोगी मेरा सबके झोली भरता है सिद्ध गोरिया जोगी मेरा सबके दुखड़े हरता है बड़ा दयालु जोगी मेरा सबकी झोली भरता है भटक चुका हूँ मैं जोगी भटक चुका हूँ मैं जोगी आ बैठा हूँ दर तेरे नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन तेरे नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन तेरे कोई नहीं है बिन तेरे मेरा कोई नहीं है बिन तेरे बाबा 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 उठो बेटा जय बाबा सिद्ध गोरिया बाबा मुझे पता था आप जरूर आओगे बाबा बाबा मैं देख नहीं सकता बाबा बाबा मैं देख नहीं सकता बाबा देख नहीं सकते आंखें खोलो बेटा बाबा मैं देख सकता हूँ बाबा 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 जय बाबा सिद्ध गोरिया जय बाबा सिद्ध गोरिया आदेश 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 प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भव गुरुदेव आप यहाँ हाँ बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाह रहे थे कहो कैसे हो तुम आपका आशीष है गुरुदेव हमने सुना है तुम गृहस्थ हो गए हो नहीं मैं अपने धर्म के माता पिता की सेवा कर रहा हूँ मुझे पता है तुम कभी भी फकीरी को दाग नहीं लगाओगे चलो अब मेरे साथ चलो तुम्हें और भी बहुत सारे काम करने हैं मैंने सब देख लिया है अब हर जगह लोग पूजा पाठ ही हो गए हैं हर तरफ तुम्हारी जय जय हो रही है एक गुरु के लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात हो सकती है गुरुदेव मैं जल समाधि लेना चाहता हूँ जैसी तुम्हारी इच्छा बेशक तुम दुनिया की नजरों से ओझल हो जाओगे पर युगों युगों तक लोगों का भला करते रहोगे जो कोई भी सच्चे मन से तुम्हें पूछेगा तुम उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करोगे और सबका भला करोगे जैसी तुम्हारी इच्छा हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा धन्यवाद पिताजी बेटा बेटा रुको बेटा रुको, रुको बेटा रुको, रुको बेटा बेटा मैं ये क्या सुन रही हूँ तुम जल समाधि लेने लगे हो जी माते पर बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो अब मेरा संसार में रहने का मन नहीं करता हमसे कोई भूल हुई है नहीं माते ऐसी कोई बात नहीं पर बेटा तुमने मुझसे वादा किया था
वचन दिया था मुझे, मैं युगों युगों तक आपके साथ रहूंगा, पर आज ऐसा? पहले तुम्हें हमें मुक्त करना होगा इस संसार से, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो कर सकते हो। सदियों से रीत चली आई है कि बेटों के कांधों पर माँ बाप की अर्थी जाती है, पहले हम दोनों को इस संसार से मुक्त करो, फिर जो तुम्हारा मन हो इच्छा हो वो करना। जुआ गया माता जी, जुआ गया पिताजी। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्याम अन्नं पृष्ठय सम्भूर यस्यामिदं जिह्वति प्राणदेह सानो भूमिः पूर्वमेव दधातु। विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इन्द्रर्षभादविनेनो दधातु। हिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यम् ते पृथ्वी स्यो नमस्तु। पर्जन्य पिता समूनं विपर्तु तू सबके दुखड़े हरता है खाली झोली भरता है। तू सबके दुखड़े हरता है खाली झोली भरता है। सुन के तेरी महिमा मैं, सुन के तेरी महिमा मैं आ गया हूँ दर तेरे। नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन तेरे। नजर मेहर की कर देना मेरा कोई नहीं है बिन।